अरमान मलिक और पायल मलिक ने कर दिया कुछ ऐसा कि रो पड़ी शिवानी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हम आपको बता दें कि कल अरमान मलिक और दीपक चौरसिया के बीच शिवानी ने कुछ बोल दिया था, जिसकी वजह से शिवानी और अरमान मलिक और पायल इन तीनों के बीच बहुत बहस हुई, जिसके बाद शिवानी ने सुबह उठते ही अरमान मलिक और उनकी बीबियों के बारे में भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि शिवानी ने बोला कि ये लोग तो बाहर से ही प्लानिंग करके आए हैं कि ट्रॉफी कोई भी जीते, ट्रॉफी तो घर में ही जानी है। और उसके बाद शिवानी कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि आखिर इनमें से कोई भी ट्रॉफी कैसे जीतता है और कैसे ये लोग इस ट्रॉफी को अपने घर ले जाते हैं। तो वहीं यह सब बोलने के बाद शिवानी को बहुत बुरा महसूस होता है और वो उस समय घर से ओझल हो जाती है जब घर के सभी लोग जाग जाते हैं, खास तौर पर जब अरमान मलिक और उनकी बीवियां जाग जाती है तो शिवानी सबसे नजरें चुराने लगती है, दरअसल क्योंकि शिवानी को बुरा लगता है। और वहीं वड़ा पाव गर्ल और सना मकबूल शिवानी को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, तूने जो भी बोला उसके लिए तू उनसे जाके माफी मांग ले। उन लोगों को वैसे तो दीपक चौरसिया की बात का उतना बुरा नहीं लगा जितना उन्हें तेरी बात का लगा, ऐसा इसलिए क्योंकि वो तीनों तुझे अपनी बहन मानते हैं और मुझे उम्मीद है अगर तू उनसे माफी मांगने जाएगी तो वो तुझे माफ कर देंगे। लेकिन शिवानी इतना भला बुरा बोल चुकी होती है कि उसमें हिम्मत नहीं होती कि वह अरमान मलिक के सामने जाए और उनसे माफी मांगे। तो अरमान मलिक और उनकी पत्नी पायल मलिक खुद शिवानी के पास कॉफी लेकर जाते हैं और उसे कॉफी देने लगते हैं। यह देखकर शिवानी रोने लगती है। दरअसल शिवानी ये चीज देखकर बहुत भावुक हो जाती है। तो वही अरमान कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, तू मेरी छोटी बहन जैसी है, जो हुआ उसे भूल जा, बस अपने ओपिनियन रख, अपनी बातों पे रह, लेकिन किसी की बातों में मत आ। जिसके बाद शिवानी बहुत बुरी तरह से रोने लगती है क्योंकि उसे अपनी बोली हुई बातों का पछतावा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और बहुत जोर जोर की रोने लगती है।